हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ऑड। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो ऑड होता है, इट्स अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन एंड इट इज़ ऑफन इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ऑड जो होता है एक सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन होता है। ये अक्सर किसी को एड्रेस किया जाता है, मतलब ये जब हम लिखते हैं तो किसी चीज़ को या किसी इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस करके लिखते हैं। एड्रेस डायरेक्टली टू बीइंग और ऑब्जेक्ट इट ट्रेट्स ऑफ, ये डायरेक्टली या तो किसी को एड्रेस किया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इसको एड्रेस करके लिखते हैं। इट इज़ एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि जो ऑड होता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ही एग्जाल्ट होता है, यानी कि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। उसमें ऑड को हम लोग जिस भी सब्जेक्ट पे लिखते हैं उस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये ऑड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पब्लिक इवेंट के साथ डील करता है। इट्स एक्सप्रेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मच मोर कंसाइजली इलेबोरेट इम्प्रेसिव एंड डिफ्यूज। ऑड लिखते समय हम लोग बहुत ही कंसाइज एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं और जो कंसाइज एक्सप्रेशन होता है हमारा वो बहुत ही इलेबोरेट होता है, बहुत ही इम्प्रेसिव होता है और डिफ्यूज़ होता है। कंसाइजली का मतलब होता है कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बातों को कह देना, और इलेबोरेट का मतलब पता ही है, उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना। इम्प्रेसिव का मतलब आप सब जानते हैं, प्रभावशाली होना, और डिफ्यूज़ का मतलब बिखरा हुआ होना या स्प्रेड होना, यानी कि जो हम लोग ओड लिखते हैं उस ओड को लिखते समय, मतलब पोइट्स जब ओड लिखते थे तो उस ओड में क्या होता था कि जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही कंसाइजली प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, और साथ ही साथ वो इम्प्रेसिव भी होता था और डिफ्यूज़ भी होता था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑड के बारे में। तो पहला होता है पिंडारिक ओड, दूसरा होता है होरेशियन ऑड, और तीसरा होता है द ऑड इन इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू। अगर आप डिफरेंट ऑड पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑड पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि पिंडारिक ऑड, होरेशियन ऑड और द ऑड इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं।